अलीगढ़ प्रेस क्लब में मनाई गई ग्रामीण पत्रकारों के मसीहा स्वर्गीय बाबू बालेश्वर लाल जी की 36वीं पुण्यतिथि। अलीगढ़ ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के मंडल अध्यक्ष राम नरेश सिंह चौहान के निर्देश पर ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के मंडल उपाध्यक्ष अनवर खान ने अलीगढ़ मंडल मुख्यालय पर स्थित प्रेस क्लब पर ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के संस्थापक स्वर्गीय बाबू बालेश्वर लाल की 36वीं पुण्यतिथि श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाई। इस अवसर पर मंडल उपाध्यक्ष अनवर खान ने प्रेस क्लब पर आयोजित कार्यक्रम में संस्थापक के जीवन परिचय पर प्रकाश डाला और उन्हें ग्रामीण जगत की पत्रकारिता का मसीहा बताया। अलीगढ़ प्रेस क्लब में आयोजित कार्यक्रम में सैकड़ों पत्रकार साथियों ने संगठन के संस्थापक स्वर्गीय बालेश्वर लाल जी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन करते हुए भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की तथा उनके बताए हुए मार्ग पर चलकर उनके सपनों को साकार करने का संकल्प लिया। इस अवसर पर मंडल के उपाध्यक्ष अनवर खान, सचिन आजाद, सुरजीत शर्मा, प्रदीप शर्मा, धर्मेंद्र राघव, सत्यवीर यादव, प्रशांत हितेशी, मनोहर लाल, कुलदीप शर्मा, मोहम्मद राशिद, पुष्पेंद्र सिंह, दीपक कश्यप, रॉकी, आलोक पुरामजी, रूपकिशोर वकील, अहमद मैनुद्दीन, गुड्डू कुमार, राजेश कुमार सहित भारी संख्या में पत्रकार बंधु उपस्थित रहे। सभी ने स्वर्गीय बाबू बालेश्वर लाल जी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। और जैसा कि आपको विदित है कि आज हमारे जिला मुख्यालय पर प्रेस क्लब पर बाबू बालेश्वर जी की 36वीं पुण्यतिथि आ रहे हैं हम लोग, इसीलिए सब लोग एकत्रित हुए हैं। और बालेश्वर जी जो है हमारे महान पत्रकारों में गिने जाते हैं, जिन्होंने पत्रकार ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन का संस्थापक रहे थे और उन्होंने पत्रकारों के हितों में अब तक कार्य किए। उन्होंने 1936 में जन्म लेते हुए और 87 में अपना शरीर छोड़ दिया, जब तक उन्होंने अधिकांश संहित में और पत्रकारों के रूप में ही कार्य करते रहे। और उनकी प्रेरणाओं से हमारी पत्रकार बंधु को सीख लेनी चाहिए, उनके बनाए हुए पक्षचिन्हों पर यानी उनके नियमों पर चलना चाहिए, जिससे हमारे पत्रकार बंधुओं को लाभ मिल सके। मैं सचिन कुमार अरोरा टाइम्स अखबार से प्रधान संपादक, और आज हम जो है यहाँ सभी पत्रकार बंधु सभी तहसीलों से आए और पूरे जनपद से आए एकत्रित यहाँ पर जो है बाबू बालेश्वर लाल जी की जो पुण्यतिथि है उसको मनाने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं एकत्रित। और यहाँ जो जगह चुनी गई थी प्रेस क्लब में सभी की सर्वसहमति से जगह चुनी गई थी कि यहाँ पुण्यतिथि मनाई जाए, तो सभी पत्रकार बंधुओं ने बड़ी अपना कीमती समय देकर इसमें भाग लिया और सभी ने अपने अपने विचार रखे। और इन्हीं विचारों में मैं यही कहना चाहूँगा कि जो बाबू बालेश्वर लाल जी थे उन्होंने बड़ा अच्छा कदम उठाया था, उन्होंने ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन का गठन किया जिसका लाभ आज हम सभी पत्रकार बंधु उठा रहे हैं। और उन्होंने जो भी नियमावली पश्चिम जो भी बनाए थे अपने बहुत ही प्रेरणादायक आज हमें सिद्ध हो रहे हैं। और मैं एक और चीज़ इसमें कहूँगा कि पत्रकार सुरक्षा कानून के लिए जो लड़ाई हम लगातार लड़ रहे हैं और उसको हम पूरा करने के लिए हम अपनी पूरी कमर कसकर तैयार हैं और सब पत्रकार बंधुओं ने संकल्प ले रखा है कि जब तक पत्रकार सुरक्षा कानून लागू नहीं हो जाता है जब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। और सभी पत्रकार बंधुओं का एक दूसरे के प्रति हम सहयोग करेंगे, जहाँ भी जिस पत्रकार बंधु को परेशानी है वहाँ मौके पर जाकर देखेंगे और उसकी सहायता करेंगे। ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन में आपका क्या पद है? मैं ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन में इसमें मंडल महामंत्री के पद पर तैनात हूँ। और जिन्होंने ग्रामीण पत्रकार की स्थापना की और ये पत्रकार की स्थापना इसलिए की उन्होंने कि जो ग्रामीण अंचल में जो दूर दराज इलाके में पत्रकार रहते हैं अपनी कलम के माध्यम से जन आवाज को शासन प्रशासन पहुंचाने का काम करते हैं, उनकी एकता के लिए उन्होंने प्रयास किया कि उनके ऊपर जो उनके साथ जो अन्याचार होता पत्रकारों के साथ उसको जो है पत्रकार यूनाइटेड होकर इकट्ठे होकर उस आवाज को शासन प्रशासन उठा सके जिससे पत्रकारों को न्याय मिल सके। कि हम आज उनके धनी हैं कि उन्होंने बालेश्वर लाल जी ने जो ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन बनाकर हम लोगों के लिए जो उपकार काम किया है वो बधाई के पात्र हैं। हम उन्हें आज श्रद्धांजलि दे रहे हैं और हम ये चाहते हैं कि उनके बताए हुए जो भी मार्ग हैं पत्रकारों के हित में उन पर हम काम करें। ये सब पत्रकारों के लिए एक संदेश होगा और बालेश्वर जी महाराज की जो संदेश होगा जिन्होंने ये हमारे लिए ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन की स्थापना की जिसका प्रतिवर्ष अलीगढ़ नुमाइश में ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन का जो सम्मेलन होता है जिसमें पत्रकारों को सम्मानित किया जाता है और उन पत्रकारों की समस्या का समाधान किया जाता है जो हमारे बीच से चले जाते हैं और जिनकी परिजन माली हालत उनकी ठीक नहीं होती उनके लिए भी इस पत्रकार यूनियन के माध्यम से विचार किया जाए, यही उनकी श्रद्धांजलि होगी।
हमारे बीच में शंकरदास शर्मा ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के अध्यक्ष रहे, हमारे बीच में उनके लिए भी हम श्रद्धांजलि दे रहे हैं। उनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा लेकिन पत्रकारों के लिए, उन्होंने समय समय पर ग्रामीण पत्रकार क्षेत्र के माध्यम से नुमाइश मैदान में जो कार्यक्रम किए, पत्रकार को सम्मानित करने का काम किया, पत्रकारों को इकट्ठा करने का काम किया, ये हमारे लिए एक सौभाग्य की बात है कि उन्होंने एक ऐसा मंच हमको दिया जिससे पत्रकारों को अपनी आवाज़ उठाने का मौका मिला।